धर्मनगरी में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र जिला में अब तक कोरोना से 109 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कुछ समय पहले जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही ठंड का प्रकोप बढ़ा है, तब से कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। 22 नवम्बर तक जिले में 7413 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस के 328 एक्टिव केस हैं। आमजन से विनती करना चाहता हूं, एक तो 60 साल से ज़्यादा के जितने भी पर्सन हैं और छोटे बच्चे हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएं। मास्क लगा के तो कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो, सबको मास्क लगा के निकलना चाहिए। घर से विदाउट मास्क ना निकलें, क्योंकि विदाउट मास्क निकलने से ही इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। इसके साथ साथ जो जितने भी कोमोर्बिड केस हैं, क्रोनिक डिसीज के पेशेंट हैं, अगर किसी को साइन सिम्टम होते हैं, वो एक दिन भी लेट ना हो, इमीडिएटली सैंपलिंग होनी जरूरी है। उनको जितना जल्दी हम टेस्ट कर पाएंगे, जितना जल्दी उसका अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज होगा। और अगर वो मान ले बगैर टेस्ट के इधर उधर किसी RMP को दिखाते रहेंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में 109 डेथ हुई है अभी तक, जिसमें से 108 डेथ ऐसी हैं जो क्रोनिक केसेस की ही डेथ हुई है, और वो कई कई दिन तक इधर उधर RMP को या किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दिखाते रहे, उन्होंने कोविड का सैंपल नहीं करवाया। जब उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई तब उनका टेस्ट हुआ और तब तक उनको हम बचा नहीं पाए। उनके बाद बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। पहले हमारे जहाँ पर डेली के 20-25 के केस आते थे, अब 40-50 केसेज हमारे डेली के आ रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि लोगों ने थोड़ी एहतियात नहीं बरती फेस्टिवल के दौरान। वो लोग बाजारों में और इधर उधर दुकानों पे खुले में घूमे, विदाउट मास्क घूमे, मास्क नहीं लगाए लोगों ने, तो इसका मेन कारण यही है। इसके लिए जिला कुरुक्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 22 कलेक्शन सेंटर, सैंपल कलेक्शन सेंटर हैं, जिसमें 12 गवर्नमेंट के और 10 प्राइवेट के, जहाँ पे फ्री में सैम्पलिंग कलेक्शन होती है। सभी CHC हैं हमारी, LNJP सिविल हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक सेक्टर 4 है, अर्बन PHC कृष्णा नगर गामडी है, और सभी CHC हो गई हमारी, और इसी प्रकार से 10 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सैंपल कलेक्शन सेंटर हैं हमारे, कोविड के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर और हमारे ACS और DC मैडम के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र में डेली 1000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। और मेरी सभी आम जनता से विनती है कि किसी को भी अगर खांसी जुखाम या बुखार या इससे कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, वो इमीडिएटली अपने सैंपल करवाएं, टेस्ट करवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सैंपल करवा पाओगे आप, उसका टेस्ट हो जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट कर पाएंगे, ताकि वो आगे किसी को स्प्रेड ना करे। इसके साथ साथ उसका जल्दी से जल्दी इलाज भी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, तैयारियाँ पूरी हैं, डॉक्टर तत्पर है? हमारे हर जैसे जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं कोविड के, वहाँ पे हमारी पूरी टीम हमेशा के लिए तैयार है। और छुट्टी वाले दिन भी हमारा टारगेट 1000 से ज़्यादा सैंपल लेने का है। वैसे तो टारगेट हमने 1500 का डेली का बनाया है, लेकिन संडे या कोई छुट्टी हो तो उस दिन भी हम 1000 से ज़्यादा सैंपल लेंगे। हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है इसके लिए। तो मौसम चेंज हो रहा है, उसका भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे हाँ, ठीक बोल रहे हो, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ और वायरस इन्फेक्शन होते हैं मौसम चेंज होने से। और उस जो ILI के मरीज हैं उनको कोविड भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। कुरुक्षेत्र से निर्मला दूत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यश TV।